क्या करना है इसको? तजुर्बा जी, आरम म्योर के मतलब कल मैं पढ़ा रहा था ना आपको, आरम म्योर ख़त्म नहीं की थी शायद, कर दी थी। हाँ, उसमें एक बात बतानी भूल गया था, वो अब इस खत से याद आ गई। ये हमारी एक तालिबा हैं, यानी होम्योपैथी क्लास की एक शागिर्द, जिन्होंने लाहौर से ख़त लिखा है, उनको नहीं मैं खोकर कोई मेरे नहीं, मेरे नाम भाता है, वो आपके नाते तो चला गया था। हाँ, मैं समझ गया, ठीक है। ख़त लिखा है, बड़ा दिलचस्प, कहती हैं कि मेरी देवरानी, जेठानी और मैं खुद, हम तीनों बेटा चाहती थी, मगर हमें बेटियां थी सिर्फ, और तीनों की ख्वाहिश थी कि हमारे बेटा हो। कहती है, एक दफ़ा एक होम्योपैथी क्लास में हमने सुना कि आपने बताया है कि आरम में और सीएम में अगर दिन ऊपर चढ़ते ही, अगर आरम में और सीएम दिन ऊपर चढ़ते ही इस्तेमाल की जाए तो अल्लाह के फजल से अक्सर बेटे होते हैं। तो कहते हैं, हम तीनों ने यही नुस्खा इस्तेमाल किया और अब हम तीनों की गोद खुदा के फजल से बेटों से भर गई है, माशाल्लाह। तो ये छोटे छोटे चुटकुले नुस्खे ये किस तरह फ़ायदे पहुँचा देते हैं लोगों को इधर उधर, और बड़ा दिलचस्प मशगला है। आप लोग जो होम्योपैथी सीख रहे हैं, मज़े हैं आपके, है नहीं? और यहाँ भी इन्होंने भी कल मुझे भिजवाए थे रात, इमाम सगी बेगम ने, कल आपका खत भी मिला था तजुर्बों पर मुश्तमिल। क्या क्या बातें थी उसमें, यह है इनका खत यहाँ? अच्छा, एक इन्होंने पिपली के मुतल्लिक गवाही दी है, कल आपकी बारी थी यहाँ बैठने की, डिस्पेंसरी को कल आपने संभाला हुआ था। अच्छा, पिपली कहते हैं, जितनी ख्वातीन को दी हैं उनमें किसी में भी नाकाम नहीं हुई, सबकी हमल की मतली खुदा के फजल से ठीक हो गई, माशाल्लाह। और एक दफ़ा मैंने बताया था कि दांत के नीचे अगर कीड़ा चलने का एहसास हो तो सिफिलिनम उसमें खास दवा है। तो ये कहती हैं, तीन खुराकों से किसी मरीज़ा को या मरीज़ को है यही था हर वक्त एहसास के दांत के नीचे अंदर क्यों कीड़ा चलता है। कहते हैं, सिफिलिनम 200 की मैंने तीन खुराकें दिलवाई और तीन के अंदर ही खुदा के फजल से मुकम्मल शफा हो गई। दाल के शदीद दर्द में, जिसमें किसी दूसरी दवा ने काम ना किया और एक्सरे भी किया गया नींद, मगर कुछ समझ नहीं आई डॉक्टरों को, क्योंकि नींद आते ही तकलीफ बढ़ती थी, इसलिए लेगेसी 30 में दी इन्होंने, और जो मैंने कभी नहीं दी, 200 से कम ही में देता लेगेसी। मैं कहते हैं, तीन खुराकों से उसमें भी खुदा के फजल से शफा हो गई। ये तीन के लफ्ज़ की आपको आदत पड़ गई है या वैसे सचमुच थी? अच्छा, और एक खातून को नाफ पड़ गई थी, ये नाफ पड़ना पता नहीं क्या होता है, मगर मशहूर बहुत है, पुराने ज़माने में स्पेशलिस्ट औरतें होती थी नाफ निकालने वाली, और जहाँ डॉक्टर बिल्कुल नाकाम हो जाते थे उनके पास मरीजाएँ जाती थी, वो फिर अंदर कुछ उंगलियों से कुछ कर करके तो नाफ ठीक कर देती थी। मेरा ख्याल है वो फर्जी बीमारी सचमुच की है, नाफ की जो स्ट्रिंग है वो अगर खिंच जाए किसी जाविए पर तो पेट के गिर जितने मसल्स हैं अंदर उसको कंट्रोल करने वाले वो सब कुटेड़े से हो जाते हैं, उनका बैलेंस बिगड़ जाता है, उसकी वजह से बाद दफ़ा मुस्तकिल उम्र भर की तकलीफें लोगों को रहती हैं। तो ये भी एक आर्ट है, जिस तरह कैरोप्रैक्टिस जो इटालियन लैटिन अमेरिकन लोगों में मशहूर है, बड़ा फ़ायदेमंद आर्ट है। अब तो अमेरिका में बकायदा उसके लाइसेंस दिए गए हैं,
कि वो हाथों के ज़रिए टैक्सी करके मालिश करके बहुत सी तकलीफ़ों को कहते हैं हम मैनिपुलेट करके ठीक कर लेते हैं। तो ये भी नाफ पढ़ना भी ठीक बात है। कहते हैं नाफ पड़ गई, एलोपैथिक इलाज से कुछ फ़ायदा ना हुआ, पीछे की तरफ खिंचाव की अलामत देखकर अब इसमें प्लम्बम याद आनी चाहिए, मगर आप हमेशा 30 में देती हैं, मैं तो 200 से नीचे नहीं उतरता, मगर ये भी पता लग गया कि 30 भी फ़ायदेमंद है। असल में अगर इलामत मिल जाए तो मैंने एक दफ़ा पहले भी बताया था आपको, इलामतें अगर मिलती हों तो फिर हर पोटेंसी फ़ायदा देगी, सिवाय बात सूरतों के जहाँ बहुत ऊँची मिस कर देगी अगर वो फिज़िकल बीमारी है, सतह की है, मगर अक्सर कोई भी पोटेंसी अवेलेबल हो वो दे दें आप, खुदा के फज़ल से शिफा हो जाती है। इलामतों का मिलना ज़रूरी है। अच्छा, ये एक और दिलचस्प केस उन्होंने बताया है कि एक अंग्रेज़ नौजवान जिसने चंद माह पहले तालीम मुकम्मल की, जॉब शुरू किया, तो हर वक्त पेट में दर्द, पेट ख़राब, हवा बहुत, जिसकी वजह से उसको काम पर बाद शर्मिंदगी उठानी पड़ती। तो ये बड़े दिलचस्प बात उन्होंने लिखी है, बगैर तफसील बताए काबिल गौर है। देखें, अरे इमाम की बेगम है कि तहरीर भी इमामों वाली है। कहते हैं जिसकी वजह से बसा औकात उसे काम के दौरान शर्मिंदगी उठानी पड़ती थी। होम्योपैथी की बहुत दवाएं इस्तेमाल कर चुका था मगर फ़ायदा ना हुआ। ख्याल आया शायद खौफ और घबराहट से ऐसा हुआ हो, इनको ख्याल आया नहीं, एक्नाइट 1000 में दी और फिर 3 खुराकों में फ़ायदा हुआ। एक बहन के गले से 2 माह से मुंह खोलने पर सीटी की सी आवाज़ आती थी। अच्छा, मुंह खोलते सीटियाँ शुरू हो जाती थी, वो जो बात खोलने मुंह खोलने से जो पीछे नालियों पर असर पड़ता है ना, नरखरा जो है उस पर दबाव पड़ता होगा तो वो सीटी निकलनी शुरू हो जाती थी। और गला बहुत ख़राब था, वही गला फूले होंगे उसको दबाव था। बेलाडोना, फास्फोरस और आर्सेनिक 30 में इस्तेमाल करने से अल्लाह ताला के फजल से 2 दिन में आराम आ गया कि 3 दिन में, गलती से 2 लिखा गया है। आर्निका ब्रायोनिया 200 को कई तकालीफ में मुफीद पाया, वो तो बहुत रोज़मर्रा का काम आने वाला नुस्खा है। मैंने कहा वो जो हमारी हॉकी टीम है यहाँ आई हुई है पाकिस्तान की, उनमें भी एक अहमदी लड़का माशाल्लाह शामिल हो गया है, वो अक्सर दुआ के लिए लिखा करता था और अब खुशखबरी मिली है कि वो बाकायदा सेलेक्ट हो गया है, बहुत जोश है उसको खेलने का। तो उनके ज़रिए आर्निका और ब्रायोनिया दिलवा दो, क्योंकि आगे इन्होंने जाके काफ़ी बड़े बड़े इंटरनेशनल मैच खेलने हैं। एक खातून को सर्दी लग गई, सारा जिसम दर्द कर रहा था, हिलना जुलना मुश्किल था, सांस की भी तकलीफ थी, इसकी भी उसको उसकी है एक ही खुराक जी। इसकी एक ही खुराक ने जादू का ससर दिखाया, इसलिए कि आपने 200 में दी है, वो 30 जो थी वो रिपीट करनी पड़ती है बार बार। 200 में ये है, अक्सर ये भी फ़र्क है ना, छोटी पोटेंसियाँ असर पैदा करने के लिए बार बार रिपीट करनी पड़ती हैं, ऊँची चली जाएँ तो ऊँचे चला जाएँ तो एक ही बार दफ़ा या एक दो ही काफ़ी हो जाती है। 20 लोगों को का खाना पकाने के बाद मुझे फ़ोन किया, कमाल हो गया उसने, 20 लोगों का खाना पकाया उसने उसी वक्त खुशी में, और आपको भी बुलाया कि नहीं। अच्छा, एक 13-14 साल का बच्चा सुबह उठा तो गालबन तकिया पर सर टेढ़ा रखने की वजह से गर्दन में बल पड़ गया और हिलानी मुश्किल थी, तकलीफ की शिद्दत से रो रहा था। वालदा ने फ़ोन पर मुझसे पूछा, यही दवा बताई, ये दवा जो है ये अक्सर ज़रूरी नहीं कि बल पड़ने में काम आए, जब गर्दन को सोते में बल पड़े तो अक्सर एक्नाइट और बेलाडोना 200 में ज़्यादा मुफीद है और फौरी असर दिखाती है। अगर वो ना हो तो फिर ये फैसला करना पड़ेगा कि दाईं तरफ का बल है या बाईं का, दाईं तरफ ब्रायोनिया काम आएगी और बाईं तरफ लेक्सिस। अच्छा, अजीज़ मुन्नम भी 26 मील चला था पैदल, ठीक है।
उसने जाने से पहले रात को और भी बच्चों को मैंने दिलवाई थी, रात जाने से पहले रात को ब्रायनियर 200 एकोनाइट 200 ना आने का मिला के खाएं, सुबह जाने से पहले खाएं, फिर दौरान में खानी हो तो खाएं वरना वापस आके। तो इन्होंने रात को फिर सुबह और फिर वापस आकर उसकी एक खुराक ली, अल्लाह ताला के फजल से ज़्यादा थकन नहीं हुई और अगले दिन मामूल के मुताबिक उसने काम किया, जबकि पूरा 26 मील चला है और अतफाल के मुकाबले में अव्वल भी आया है माशाल्लाह। ये ठीक है, ब्रायनिया से तो का तो मेरा भी ज़ाती तजर्बा है कि अगर ब्रायनिया की एक दो खुराकें खाओ, रात को खा लो सुबह खा लो, तो रफ्तार में तेज़ी आ जाती है और उसकी वजह यह है कि रफ्तार में कमी आती है, मामूली कोई कसर की दर्दें हों या रोमेटिक पेंस हों, भारी हो गई हों टांगें, तो उसी नस्बत से जिस नस्बत से बीमारी है उसी नस्बत से रफ्तार कम हो जाती है, और अगर हल्की फुल्की हो जाए तो अब भी ज़ाहिर बात है फिर रफ्तार में तेज़ी आती है। मैंने देखा है मेरी सुबह की सैर में अगर मैं इरादतन बिरयानियाँ इस्तेमाल करूँ जल्दी करनी हो तो सवा घंटे की जो सैर है वो एक घंटा 5 मिनट की भी रह जाती है, 10 मिनट का फ़र्क पड़ जाता है। और बाकी बच्चों को जो हमारे साथ जाते हैं उनको भी मैंने इस्तेमाल करवा के देखी है, सबकी रिस्पॉन्स यही है। हमारे हॉकी टीम के खिलाड़ी सब बताते हैं उनकी परफॉर्मेंस में ज़मीन आसमान का फ़र्क पड़ गया है। तो अच्छी दवा है, इसको वहाँ हमारी हॉकी टीम जो है ना पाकिस्तानी उनको भिजवाओ। अब आ गई हैं एक और हमारी डॉक्टर साहिबा, लेडी डॉक्टर क्या लिखा है ना, लेडी डॉक्टर नासर रशीद, लेडी डॉक्टर लिखा नहीं हुआ इन्होंने, बीच में महजूफ समझा गया है इसमें। कहती हैं कि हाँ ये बहुत ज़बरदस्त है केस जो मेरे इलम में नहीं पहले आया, ये तो हाँ एक दफ़ा बाहर के किसी शख्स ने लिखा था ये, मगर उसमें यकीन नहीं आया था कि हो सकता है, गालबन कैनेडा का था, प्लेसेंटा प्रीविया का केस। प्लेसेंटा प्रीविया होता है कि प्लेसेंटा जुड़ा होता है उसके यूट्रस के मुंह के करीब, गर्दन सराही के करीब, और वो बहुत ही ख़तरनाक चीज़ है अगर ऑपरेशन की सहूलतें मुहैया ना हों, क्योंकि जब पैदाइश का वक्त आता है तो वो फैलता है मुंह, उसके साथ ये प्लेसेंटा प्रीविया से ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, और जितना वो ज़्यादा करीब आएगा या इतनी एफर्ट करनी पड़ेगी, बसा औकात औरतें अगर अस्पताल मौजूद ना हो पास या ऑपरेशन का इंतज़ाम ना हो इस प्लेसेंटा प्रीविया की बीमारी से मर जाती हैं ब्लीड करके। फिर दूसरा ख़तरा ये होता है कि ये प्लेसेंटा प्रीविया गले में फंदा डाल देता है, आगे आता है बच्चा जब बाहर आने की कोशिश करता है तो बाद यही प्लेसेंटा उसकी गर्दन में फंस के तो उसके दम घुट जाता है पैदाइश से पहले ही। वहाँ एक जहाँ तक मुझे याद है कनाडा का था केस, उनको मैंने ये कॉलोफाइलम वगैरह जो मैंने उसका दिया करता हूँ वो दिया था, और उनका ख़त आया कि प्लेसेंटा प्रीविया ठीक हो गया है। अच्छा मैं मान नहीं सकता था क्योंकि ये तो जुड़ा हुआ होता है, उसकी जड़ें वहाँ कायम होती हैं। अब नासर रशीद ने एक खबर अजीब बताई है, ये कहती हैं कि एक लड़की का वो प्लेसेंटा प्रीविया था जो रहम के मुँह को छू रहा था वहाँ चिपका हुआ लगता था और साथ ब्लीडिंग शुरू हो गई थी, अस्पताल वालों ने कहा कि 50% चांस है इसमें कि इस हालत में ये ठीक रहे, ठीक पैदाइश हो सके, 6 हफ्ते का था वो पूरा पीरियड। कहते हैं 2 माह तक बिस्तर पे लेटी रहो, हिल हरकत नहीं करनी। मैंने आने का क्वालिफाइल नहीं थी और आपने सीपीएस साथ ऐड की है ना, हाँ
आर्निका और कॉलोफाइलम में दिया करता हूँ। कहते हैं तीन दिन के बाद मुझे पढ़ते पढ़ते ख्याल आया कि सीपिया दी जाए। मैंने अल्लाह का नाम लेके, बस ये फ़र्क पड़ा सारा, आर्निका कॉलोफाइलम भाई अल्लाह के नाम, और अपनी दवा जो सीपिया थी वो अल्लाह का नाम लेके दे दी। ये तो काम करना ही था उसने। एक हफ्ता दवाई लेने के बाद खून रुक गया, पेट में शदीद हरकत हुई और उसके बाद फिर जारी हो गया। खून रुका है पहले, फिर कन्वल्शंस हुई हैं जैसे जल्जला सा आ गया हो, और फिर जारी हो गया और उसके बाद एकदम दर्द में सुकून आया है। फिर खून जारी होने पर कुछ परेशानी तो हुई लेकिन एपिकॉक्स 30 में दे दी गई जिससे वो फौरी तौर पर बंद हो गया। दो हफ्ते के बाद उसका जब चेकअप करवाया तो अल्ट्रासाउंड पर मालूम हुआ, और नर्स ने अल्ट्रासाउंड देखकर ये कहा कि आपको ज़रूर गलती लगी होगी, प्लेसेंटा तो है ही ऊपर, नीचे है ही नहीं। हालांकि पहली जो मेडिकल रिपोर्ट्स थी वो वाज़ेह तौर पर मुबैन कर रही थी कि वहाँ है। अब बच्ची को खुदा फज़ल से 7 माह ऐसा हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये मैंने बताया ना, मुझे रब्बा की प्रैक्टिस के दौरान पहले कभी कॉलोफाइलम और आर्निका का ख्याल नहीं आया था, लेकिन बाद में मैंने इसके मुतलिक अंदाज़ा लगाया कि इनको काम करना चाहिए। वो जब दी है तो वो कनाडा वाले केस में यही इतला बच्ची ने दी कि नॉर्मल डिलीवरी है, और डॉक्टरों ने कहा कि प्लेसेंटा प्रीविया नहीं रहा। तो मैं समझा था गलतफहमी हुई है उसको, तो आपके तायद ने, आपके केस ने इसको तायद, इसकी तायद कर दी है। वो जो दूसरी बच्ची है उसके लिए आप वो दें एंथ्रेसिनम, एंथ्रेसिनम 200। अच्छा जी, अब अपनी दवाएं शुरू कर दें वरना ये ख़त्म नहीं होनी फिर कभी सारी उम्र। म्यूजिक से एग्रीगेशन के लिए आपने दवा का कहा था, उसमें नेटम कार है, नेटम कार जी, एकोलाइट में भी है वैसे, इसमें में भी है इग्निशिया ग्रेफाइट। अब हम बैक्टीरिया शुरू करते हैं, एक पट्टी खत्म हो गई जी। बैक्टीरिया रोजमर्रा के लिए एक बहुत ही मारूफ और मुजर्रब दवा है जिसका ताल्लुक ताफुनात से है। ताफुन अगर अंतड़ियों में हो और नुमाया ताफुन हो, खुसूसन टाइफाइड बुखार में असार आते हों जिनमें इंतहाई ख़तरनाक बदबू हो, तो बैक्टीरिया से बेहतर उसका कोई इलाज नहीं। चोटी की दवा है मगर खुले असार के लिए नहीं है, कि टाइफाइड की किस्म की जो लंबी बीमारियां हैं उनमें चलने वाले मामूली या दरमियाने दर्जे के असाल हों और पेस्टी से होते हैं अक्सर, और बदबू बहुत ख़तरनाक होती है, और गले की ख़राबियों में जब गला बिल्कुल मुतफ़न हो जाए उस बीमारी से, लेकिन बाज़ दफ़ा इसके साथ दर्द नहीं होता, इसलिए गले की बीमारी की जो ख़तरनाक सूरत है उसका इतना एहसास नहीं होता मरीज़ को, लेकिन बैक्टीरिया में दर्द भी मिलता है और ख़ास तौर पर टॉन्सिल्स के अंदर दर्द इसमें मिलता है मौजूद। अमूमन गले के इर्द गिर्द जो सोजिश से दर्द हुआ करते हैं वो बैक्टीरिया के गले में नहीं मिलता, इसलिए बाद डॉक्टर लिख देते हैं कि बेदर्द का। लेकिन अगर बेदर्द का भी हो, गला बेदर्द का भी हो और मुतफ़न हो, तो उसमें ये बैक्टीरिया एक बहुत ही मौसी दवा है। ब्लड पॉइजनिंग, सेप्टिक केसेस, यूट्रस से ताल्लुक़ रखते हों,
या किसी और जिस्म के उज़्व से ताल्लुक़ रखते हों या खून में अमूमन जहर फैल गया हो, उसमें भी बेप्तीशिया बहुत अच्छी है। मगर कम्बिनेशन इसका जो बेहतरीन कम्बिनेशन है वो ये है कि टाइफाइडिनम और पैराजिनम, ये मिलाकर, या सल्फर और पैराजिनम, ये 200 में दें और बेप्तीशिया को 30 में दें। तो अक्सर खून जिस्म ग्लैंड्स के तफुनात इससे ठीक हो जाते हैं। क्योंकि इसमें ताफुन बहुत पाया जाता है, इसलिए टाइफाइड में जो पेट का तनाव है टिम्पनी, वो जितना बुखार है उससे ज़्यादा होती है। और बीमारी की पहली स्टेज पे आमतौर पे जो टाइफाइड का मरीज़ ज़्यादा आगे हो जाता बढ़ता है तो फिर उसका जिस्म सिकुड़ के बिल्कुल पंजर से रह जाता है और बहुत बड़ा पेट फूला हुआ आगे जिस तरह छतरी तानी हो ये दिखाई देता है। ये मैंने बात देखे हैं ऐसे मरीज़ खुद और बहुत ही तकलीफ दे नज़ारा है ये कि बिल्कुल पंजे लगता है, छोटा सा चूजा सा है एक आदमी, घुल घुल के बिल्कुल ख़त्म हो चुका होता है, आवाज़ भी ठीक नहीं निकलती, लेकिन पेट है वो पूरा तना हुआ इतना बड़ा। उस वक्त बेप्तीशिया दी जाए तो हर स्टेज पर खुदा के फजल से मुफीद है, लेकिन शर्त यह है के साथ उसके टाइफाइडिनम और पैराजिनम मिलाकर दोनों को 200 ताकत में बुखार और तकलीफ़ की शिद्दत के दौरान बेशक दिन में 3 दफ़ा भी दे लें तो कोई हर्ज नहीं, और नॉर्मल के तौर पर 1 दफ़ा, और जूँ जूँ फ़ायदा हो इसका वक्फ़ा बढ़ाएं और बेवजह इसको ना दोहराएं। और क्या देते चले जाएं आंखें बंद करके 30 में, और जब आराम आ जाए तब भी ये दो दवाएं बंद नहीं करनी, क्योंकि टाइफाइड पोटेंशियली अपने अंदरूनी ताकत के लिहाज से मौजूद रहता है देर तक। बुखार उतर भी जाए तो इसने अपना साइकिल पूरा करना है जो 14 दिन का होगा या 21 दिन का होगा या बाज़फ़ा लंबे भी चल जाते हैं। तो टाइफाइड के लिए एहतियात ज़रूरी है। टाइफाइड में इसलिए मैं ज़्यादा ज़ोर दे रहा हूँ बेप्तीशिया के मामले में कि टाइफाइड अगर कोई बीमारी कोई असर उज़्व पे पीछे छोड़ जाए किसी हिस्से पर तो फिर वो ठीक नहीं होता, और सिर्फ एक सूरत है उसके ठीक होने की कि उसको अगर ट्रीटमेंट दोबारा टाइफाइड की आप शुरू करें और टाइफाइड की पित्ती उछले और बुखार चढ़े, फिर जो भी बद असरात पड़ते हैं असाब पर वो असाब को छोड़कर वापस फिर खून में शामिल हो जाते हैं। और ये केस एक तो मेरा एक दफ़ा रब्बा में मैंने देखा था, एक शख्स रहमतुल्ला साहब ने कल मुझे ख़त लिखा है कि एक किताब में उन्होंने पढ़ा एक हकीम का ये दावा कि एक टाइफाइड का अंधा था, उसको उसने इस नज़रिए पर कि टाइफाइड अगर दबा दिया जाए तो ठीक नहीं होता, मगर उसका जो जहर है वो कंसंट्रेट कर जाता है, किसी हमला कर देता है किसी वाइटल ऑर्गन पर, जैसे बसारत की रगें हैं या उजलात हैं फालिज वगैरह करने के सिलसिले में। अगर उसको दोबारा बुखार की सूरत में बाहर निकाला जाए तो वो बज़ाहिर मुर्दा उज़्व भी ठीक हो जाता है, ये उनका दावा था। तो शेख साहब कहते हैं, उन्होंने देखा नहीं है, वो कहते हैं किताब में ये लिखा हुआ है कि एक मरीज़ को उसने बुखार चढ़ाया, पता नहीं किस तरीके से चढ़ाया, जो 106 तक चढ़ हो गया और उसकी नज़र फिर लौट आई और टाइफाइड की अलामतें ज़ाहिर हुई हैं, और उसी हालत में वो जिस दवा से बुखार चढ़ाया था उससे उतरा भी फिर। तो ये जो वाकया है होम्योपैथिक में तो बिल्कुल दुरुस्त है असूलन, लेकिन ये कि मर चुकी हो कोई राग वो ज़िंदा हो जाए ये मुझे मैं नहीं मान सकता। मेरे नज़दीक उसमें ये हो सकता है कि क्लॉट्स की वजह से कोई प्रेशर ऐसा हुआ हो जिसकी वजह से
समझा गया हो कि इसके इसकी जो ऑप्टिकल कॉर्ड है वो मर गई है। मरी ही रग जिंदा नहीं हुआ करती, मुरझाई हुई फारिज जिदा दबी हुई वो ठीक हो सकती है। तो या तो वो मरी नहीं थी अभी, या फिर कोई और वजह होगी, मसलन क्लॉट जम गया है वहाँ, वो जब रिलीज हुआ है तो फिर उसके बाद बाकी सारी इन्फेक्शन की नामते दोबारा शुरू हो गई। मगर ये टाइफाइड है बहुत ख़तरनाक चीज़, अगर दिमाग पर पड़े तो पागल कर देती है। टाइफाइड के बने हुए पागल जो है ना, वो सारी उम्र बेचारे पागल रहते हैं और मजहूल से हो जाते हैं। आमतौर पर टाइफाइड के बने हुए पागल जो हैं उनमें वो जो स्टेमोनियम की अलामतें वो पाई जाती हैं या हाइसिमस की अलामतें पाई जाती हैं, और ये दोनों दवाएं टाइफाइड में काम आने वाली हैं कि वो हर वक्त कोई म्यूज़िक का होगा तो दम 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 हर वक्त हाथ बजाते रहेंगे, मेज जहाँ बैठेंगे टक 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 शुरू कर दिया, या नाचते रहेंगे थोड़ा सा जिस्म को हरकत देंगे तो कुछ रिदमिकल हरकत, कुछ तसव्वुर में रोमांटिक तसव्वुर, उसके साथ अपने आप को लहराना, ये चीज़ें टाइफाइड के पागलपन में अक्सर मिलती हैं। लेकिन ऐसे पागल कभी मैंने ठीक होते नहीं देखा। हाँ, बाद ये होता है कि कुछ माइल्ड हो जाती है उसकी आदत, उनमें वो जो वायलेंस है वो ख़त्म हो जाती है। इसके दांतों पर भी इसी तरह असर होते हैं। बैक्टीरिया में अगर दांत मुतफ़न हो जाएं, उसके जब जो हैं क्या कहते हैं मसूड़े दांतों को छोड़ें, ब्लीडिंग शुरू हो जाए, बदबू पस वगैरह, तो उसमें भी अगर बैक्टीरिया की अलामतें मिल जाएं तो काम करेगी। लेकिन मेरा ख्याल अक्सर मिलनी चाहिए, ऐसी गई गुजरी सूरतों में बैक्टीरिया को ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। एक इसमें एक इलामत यह है कि एक स्टूपर की हालत तारी रहती है अक्सर, एक उनूदगी की, एक नीम बेहोशी किसी कैफियत, और उस वक्त बाज़ दफ़ा ये बैक्टीरिया का मरीज़ ये समझता है कि उसके अज़ा अलग अलग अपना अपना वजूद रख रहे हैं, यानी उसकी शख्सियत बटकर अपने अज़ा में शामिल दाखिल हो जाती, बिखर जाती है। तो कोई उठाए किसी को हिलाए कि उठो उठो, तो वो ये कहेगा कि हैरान होगा और पूछ कहेगा कि उठ तो गया, और क्या तुम कह रहे हो, शोर क्यों मचाया हुआ है। मतलब हाथ को हिलाया, हाथ उठ गया है तो बाकी के पीछा छोड़ो। और इसी तरह उसकी उलूदगी अलग अलग अज़ा पर कब्ज़ा किए रहती है, लेकिन जब ज़्यादा अराउज किया जाए तो फिर वो डेस सी हालत में उठता है, उसको समझ नहीं आती क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। ये एक ख़ास बैक्टीरिया के जहर की अलामत है। फिर बाज़ वो कहते हैं अपने पार्ट से बकायदा बहसें शुरू की होती हैं इसने, वो कहेगा कि ये अपने एक हाथ से कहेगा तो दूसरा भी मेरे साथ लेटा हुआ उधर उस तरफ इसके उसका पागल बेचारे का कि एक ये ऊपर है कोई लेटा हुआ, नीचे एक टांग भी मेरे साथ लेटी हुई है, एक दूसरी टांग भी उस तरह लेटी हुई है। तो हर उस अलग अलग वजूद के तौर पर महसूस होता है, वो समझते हैं मेरे साथ बेड शेयर कर रहे हैं। और कैंट कहता है कि बाज़ दफ़ा एक टांग भी दूसरी टांग से बातें शुरू कर देती है, यानी मेरी समझता है कि आपस में बातें कर रहे हैं दोनों। अगर ऐसी हालत में उसको जगाएं, पूरी तरह होश में ले आएं, उससे पूछें कि तुम क्या कर रहे थे, क्या बातें हो रही थी, कि जो मेरे सारे हैं ना पीसीज में उनको सब इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा था, और ये कह के फिर हो जाएगा, चलो दोबारा उसी कोशिश में मसरूफ। तो बैक्टीरिया इस पे
खुदा के फजल के साथ जादू के साथ सरकती है, क्योंकि ये अलामतें जब भी मैंने टाइफाइड में देखी, पहले हमारे पाकिस्तान में बहुत टाइफाइड हुआ करता था, अब भी शायद होता हो, क्योंकि कई मरीज भी यहाँ से गए हैं, कई लोग वो टाइफाइड लेके आए हैं, तो बहुत ही मुफीद चीज़ है ये। शर्त यह है कि कब्ज़ ना हो, शर्त यह है कि असाल चाहे थोड़े चाहे कुछ ज़्यादा, मगर ज़्यादातर पेस्टी और ख़तरनाक बदबूदार, और फिर ये काम करेगी, वरना काली फॉस फेरम फॉस बेहतरीन कम्बिनेशन है, दोनों मिलाकर अगर कब्ज़ हो तो फेरम फॉस काली फॉस मिला के बार बार दें। दवाएँ बहुत हैं जो इलामतों से पहचानी जाएंगी, मगर मैं ये बता रहा हूँ कि टाइफाइड में बसा औकात आदमी को इलामतों का इसलिए नहीं पता चलता कि मरीज़ की ताकत नहीं होती कि इलामतें बताए। अक्सर टाइफाइड के केसेस में होम्योपैथ को तब बुलाया जाता है जब हस्पताल फारिग कर दें या डॉक्टर लाइलाज करा दे दें, उनकी एंटीबायोटिक्स काम ना करें। उस वक्त मरीज़ इस हालत से गुजर चुका होता है कि आपको जवाब देकर समझाए। ऐसी सूरत में सिर्फ नज़र आने वाली इलामतें हैं, और उन इलामतों में बैक्टीरिया की ये दो इलामतें पता लग जाती हैं। वो सोते सोते बात करेगा कभी इस टांग एक हाथ से कभी दूसरे से, और आलूदगी खास और असहाल और बदबू। और फेरम फॉस काली फॉस कोई भी इलामतें हों, कब्ज़ हो तो उस सूरत में ये देनी चाहिए, लेकिन पैरोजिनम और टाइफाइडिनम 200 में ये लाजिम है साथ देना। आमतौर पे एक ये डॉक्टरों ने मुहावरा बनाया हुआ है टाइफाइड स्टूल। टाइफाइड स्टूल कहते हैं जैसे कोई छलियाँ खाए और वो चबी हुई चबाई हुई जो छलियों के दाने हैं वो बाज़ दफ़ा पेट में से निकलते हैं इस तरह कि उनका जो ऊपर का छिलका है वो हज़म नहीं हुआ होता, इसलिए स्टूल में अक्सर वो पिसी हुई खोखली छलियों के दाने नज़र आते हैं। दाने खोखले होते हैं, अंदर से उसका जो मवाद है वो हज़म जा हो जाता है, उसका जो थैला सा है वो नीम भरा हुआ उसी तरह रहता है। तो इस किस्म के स्टूल्स टाइफाइड में आमतौर पर मिलते हैं। टाइफाइड के मरीजों को ये ज़रूरी नहीं कि छलियाँ खाई हों, वैसे ही उस किस्म के गोले गोले से दाने से गालबन वो म्यूकस मेम्ब्रेन के छिलके से उतरते हैं जो कुछ ट्विस्ट करके मुड़ के तो ये तासुर पैदा करते हैं। लेकिन इसके बैक्टीरिया के स्टूल्स में उसकी इजाबत में ये चीज़ नहीं होती, बल्कि आमतौर पर मिट्टी से रंग की मटियाली सी या हल्के ज़्यादा रंग की और या बाज़ बाज़ स्याही माइल अगर खून शामिल हो पेस्टी सी इजाबत होती है। बाज़ बाज़ स्लेटी रंग के असाल लगते हैं इनको, बैक्टीरिया को स्लेटी रंग के असार हैं। ये बता रही हैं बातें कि लिवर पर असर पड़ा हुआ है और जिगर को जिस तरह बाइल बनाना चाहिए वो नहीं बना रहा। और जब ये मरीज और मौत की कनेक्टर बढ़ता है तो फिर इसके माथे पर एक पसीना आता है जिसको कहते हैं क्रिटिकल स्वेट। वो ये जाहिर करता है वो पसीना आना बार बार कि अब इसकी ताकतें जवाब दे रही हैं। ये जब पोजीशन जब ये सूरत हाल हो जाए तो आमतौर पर मुंह की हालत चमड़ा जबान चमड़े की तरह सुर्ख अकड़ कर खुश्क हो जाती है और दांतों के इर्द गिर्द अल्सरेशन और खून कुछ बहा हुआ कुछ चिमटा हुआ साथ ये और बदबू ये चीज़ें सारी मिल जाएं। अगर बर वक्त आपको खुदा के फजल के साथ ये आ जाए याद और मुहैया हो जाए बैक्टीरिया तो अक्सर बिल्कुल मौत के किनारे पर पहुंचे हुए भी वापस आने शुरू हो जाते हैं। एक बच्चा तो मुझे याद है जो
भाई मनोवर उसको जिंदा थे, अल्लाह मत करे। हमारे मेडिकल इंचार्ज थे ना फजलपुर हॉस्पिटल के, तो उनके जरिए इलाज था। उन्होंने फिर आखिर उसको माँ को कहा कि वहाँ ले जाओ। वो एक बच्चा था जो इथूजा का केस था, वो भी बिल्कुल गई हालत से वापस आया है। एक टाइफाइड का था, वो भी मुझे याद नहीं मुन तौर पर उन्होंने वो भेजा था कि नहीं, ये इथूजा वाला तो उन्होंने भिजवाया था, लेकिन एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा आए हैं ऐसे बच्चे। अस्पताल से मायूस हो जाते थे तो कहते थे वहाँ ले जाओ, और इंतहाई गई गुजरी हालत, बिल्कुल वो छोटा सा सुकड़ा हुआ चूजा लगता था। जब उसको ये दवाई शुरू कराई गई बेप्टीशिया और टाइफाइड वगैरह, तो चंद दिन के अंदर देखते देखते आराम आ जाता है, काफ लट जाती है मरीज की। अब मुंह में अल्सर में बताया ना आपको, गैंग्रीन भी हो जाती है। मुंह का मज़ा बकबका भी होता है और बदबूदार भी, और आमतौर पर अल्सर्स बेदर्द के होते हैं, ये चीज़ इसमें पाई जाती है। मगर लाजिम नहीं है, दर्द भी, दर्द वाले भी देखे मैंने। सोर थ्रोट में मैंने बताया था ना, ये बात ना माने इनकी कि पेनलेस होगा ज़रूर, अल्सर्स अक्सर पेनलेस होते हैं। और चूंकि सोर थ्रोट में सारा जो हिस्सा ग्लैंड बहुत सूजा हुआ और प्रेशर के साथ फैला हुआ होता है, उसमें दर्द होता है, लेकिन जब आगे बढ़ जाए मरस तो फिर ये दर्द ख़त्म हो जाता है। सोर थ्रोट में भी और अल्सर्स में भी इसके दर्द ख़त्म होने की वजह यह है कि बेप्टीशिया के ज़ख़म के इर्द गिर्द फालजी इलामतें पैदा हो जाती हैं, और उसके माहौल के हिस्से का ताल्लुक ज़ख़म से टूट जाता है। बस दरअसल ये बेदर्द का होना एक ख़तरनाक इलामत है कि ज़ख़म का माहौल मऊफ़ हो रहा है, और उसी नस्बत से उस तक होम्योपैथी का पैगाम पहुंचना भी मुश्किल हो सकता है। इसलिए बेप्टीशिया को बरवक्त पहचान कर देना चाहिए ताकि मामला आगे न बढ़ जाए। बाज़ सिलिशिया के जो टॉन्सिल्स की ख़राबी है वो ये नतीजा पैदा करती है कि लिक्विड्स तो इंसान पी सकता है, लेकिन खुश्क चीज़ और ठोस चीज़ हज़म नहीं कर निकल नहीं सकता। अगर वो कोशिश करेगा तो बाज़ गलत नाली में चली जाएगी, सांस की नाली में फंस जाएगी। जो भी सॉलिड फूड खाने की कोशिश करेगा वो ज़रूर गैगिंग पैदा करेगा, उसको कैक के ज़रिए बाहर निकालने की कोशिश की जाती है। पैरालिटिक वीकनेस ये वही है जो मैं बता चुका हूँ आपको कि इसका एक हिस्सा है पैरालिटिक वीकनेस। इसकी बीमारियों में एक पैरालिसिस का अंदाज़ होता है, और अंतड़ियों में दरअसल जो पैरालिसिस का असर है उसकी वजह से अफारा बढ़ता है। इसका बुनियादी कैरेक्टर याद रखना ज़रूरी है आपके लिए। बेप्टीशिया के बुनियादी कैरेक्टर में जो चीज़ें मैंने बयान की उनके अलावा एक पैरालिसिस पैदा करना जो मुकम्मल नहीं हुआ करता, पार्शल से यह मराद होती है उम्र के इस उज़्र में हो जाए उसमें ना हो। मैं जो कह रहा हूँ वो परिसिस शायद उसको कहते हैं, हाँ, जो अपनी इंटेंसिटी में कम होता है, पूरी तरह माउफ नहीं करता, कुछ करता है। ये बेप्टीशिया का खासा है। और जो अजीब बात है कि अपने ज़ख्मों के गिर्द भी वो
इसी किस्म का फालिज बना देता है जो एहसास को रोक देते हैं। बस ये वो वेपतीशिया है जिसको आप याद रखें तो इंशाल्लाह आपके बहुत काम आएगा। डेलिस फ्रेनिस बेहतरीन दवा है दर्दों, स्प्रेन्स और ब्रूजेस के लिए, लेकिन जिस कसरत से आर्निका और रूटा इस्तेमाल की जाती हैं उतनी ये नहीं की जाती, मगर बहुत ही अहम है। टखने की बाज़ दफ़ा मोच उम्र भर ठीक नहीं होती अगर उसको बैलिस न दी जाए, तो बैलिस जब दे दें तो पुराने टखने की जो दर्द है वो ठीक हो जाएगी। और ये मैंने इस्तेमाल करवा के देखी है और अपने ऊपर भी इस्तेमाल करके देखा है, टखने बाज़ दफ़ा चलते चलते मुड़ते हैं, उनमें एक दर्द पैदा हो जाता है। आर्निका आप खाएं और आराम आ जाएगा, लेकिन फिर कुछ देर के बाद वो दर्द निकलता है। तो ये जो उसके दायमी होने का रुझान जो है, क्रॉनिक होने का, ये अगर बैलिस दी जाए तो एकदम ख़त्म हो जाएगा। और बहुत देर के बाद भी अगर बैलिस याद आ जाए तो पुराने ठहरे हुए टखनों के मुड़ने के असरात में, बद असरात में ये मुफीद दुआ है। नहीं मैं आता हूँ उस तरफ, टखनों के साथ इसका ख़ास ताल्लुक है। बैलिस और टखना ये दो चीज़ें बस बांध लें दूसरे के साथ, दिमाग में होगा एक टखना बांधा रहेगा। बाकी और चीज़ें बताता हूँ आपको। अक्सर ठंडी हवाओं से तकलीफ बढ़ती है बैलिस की। पुराने मज़दूर ख़ास तौर पर ये माली काम करने वाले जो नीचे बैठ के बेचारे काम करते हैं या चेरीज पिक करते हैं जैसे बैठ के, तो उनके जो जोड़ रह जाए आखिरी उम्र में, उनके जिस्मों के दर्दों के लिए बैलिस चोटी की दवा है। कहते हैं इससे प्रिंसली रेमेडी शहजादों की तरह काम करती है, हालांकि शहजादे काम नहीं करते। प्रेगनेंसी के दौरान वेरिकोस वेंस में भी ये एक बहुत अहम दवा है, इसलिए मैं आपको कह रहा था कि इसको याद रखें। लोग अक्सर बैलिस को भुला देते हैं और दूसरी दवाएं जगह ले लेती हैं, आर्निका और वो रूटा वगैरह। जहां बैलिस ने काम करना है वहां वो नहीं कर सकते, बैलिस को ज़रूर पड़ेगी ज़रूरत। और प्रेगनेंसी भी वेरिकोस वेंस में ये चोटी की दवा है। पेट की जो दीवारें होती हैं बैरूनी, वो जो तमाम ढांचा इर्द गिर्द मसल्स और जिल्द का बना हुआ, सैक कह सकते हैं उसको, थैला जिसके अंदर जिस्म लिपटा हुआ है, उसकी अमूमी दर्दों में बैलिस बहुत अच्छी दवा है। बाद लोग कहते हैं कि हमारे पेट के ऊपर ऊपर जो है ना ये हिस्से, ये सारे इनमें दर्द होता है, तो उसके लिए बैलिस एक चोटी की दवा है। और वो जो असाब हैं इसके टेंडेंस वगैरह, उनमें भी बैलिस बहुत मुफीद है। बाद मैंने देखा है ऐसी औरतें जो बैठकर फिर उठ ना सकें, उनको पकड़ के उठाना पड़ता है बाद दफ़ा, उनमें आर्नी का रूटा वगैरह में दिया करता हूँ, लेकिन कई दफ़ा वो काम ना करें तो बैलिस काम आ जाती है, इसलिए कि इसका स्पाइन के मसल से बहुत ताल्लुक है। यानी वहाँ लिखा तो नहीं हुआ किताबों में कि काम आएगी, मगर चूंकि मुझे इसके मिजाज का पता है इसलिए मैं तजर्बा करके देखे, काम आती है बहुत रीढ़ की हड्डियों के टेढ़े होने में इधर उधर। वजह यह है कि ये एक बीमारी कहलाती है स्पाइन, रेलवे स्पाइन, और रेलवे स्पाइन उसको कहते हैं जो स्पाइन ऊपर से नीचे तक यूँ मुड़ जाती है इधर उधर, और ऐसी सूरत में एक तरफ के मसल्स की ताकत ज़्यादा है दूसरी तरफ कमज़ोर है, जिधर ज़्यादा है उधर को मुड़ जाएगी, दूसरी जगह अपोजिट सूरत है। तो आमतौर पर एक ही सिम्त के मसल्स कमज़ोर हुआ करते हैं,
और उस तरफ मुड़ती हैं रीढ़ की हड्डियाँ, और जिस जगह का मसल कमज़ोर हो वहाँ का प्रोलैप्स हो जाता है। लेकिन इसमें ये बात है बैलिस में कि अपोजिट साइड के कोई यहाँ से हुआ कोई वहाँ से हुआ और यकसां उनके अंदर कमज़ोरी नहीं आती, बस उसके नतीजे में ये कांटेदार यूँ मुड़ती चुलती रीढ़ की हड्डी हो जाए तो बेचारा मरीज़ बिल्कुल बेकार हो जाता है। इसलिए रीढ़ की हड्डियों के इर्द गिर्द जो मसल्स हैं उनको ताकत बख्शने में बैलिस एक अच्छी दवा है। और कोई मेरे जहन में मुहैया मरीज़ तो नहीं जिसकी रीढ़ की हड्डी ऐसी हो जो मैंने बैलिस दी हो, लेकिन वैसे एक आध रीढ़ की हड्डी के जो मन का हटता है उसमें तो मैंने कई दफ़ा देखा है बैलिस उनकी दवा होती है। चलने की ताकत एक और लड़की में थी, नहीं रही थी, पाँव रखते ही उसको तकलीफ बढ़ जाती थी और वो था रीढ़ की हड्डी की वजह से, उसमें बैलिस और इस किस्म की और दवाएं कई, एक मरीज़ नहीं मेरे जहन बहुत सारे हैं, कभी एक दवा काम आ गई कभी दूसरी, मगर बैलिस भी उनमें से एक है। और इसमें हाँ रेलवे स्पाइन लिखी हुई है, रेलवे स्पाइन वेरिकोस वेन्स स्प्रेन्स विद ग्रेट सोरनेस, ये बता चुका हूँ पहले मैं आपको। एक्चिमोसिस ही होता है यार सही तो, ये एक्चिमोसिस एक्चिमोसिस स्वेलिंग और टच की बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी, इसको मैंने देखा है। ये जो बैलिस है ये हाइपेरिकम से भी बाद बातों में मिलती है, इसलिए अगर जो दुमची की तकलीफ़ है उसमें हाइपेरिकम अकेली काम ना आए तो बैलिस मिलाकर बहुत फ़ायदा पहुँचता है। अब याद रखना अगर वो हाइपेरिकम से काम होगा इंशाल्लाह फ़ायदा, अगर ना हो तो हाइपेरिकम के साथ आर्निका का मिलाना भी अच्छा है और बैलिस बहुत अच्छा काम करता है साथ आर्निका। और मैंने वालबन उसकी शायद ख्याल था कि लिगामेंट भी हो तो रूटा भी दी साथ आर्निका रूटा एंड ठीक हाइपेरिकम, लेकिन असल जो वहाँ काम करने वाली थी वो हाइपेरिकम जी बिस्मत किस तरीके देते हैं डॉक्टर साहब आप वो दस्त खुश करने के लिए सत्यानाश कर देते हैं मरीजों का जिसको जो जिसको हर किस्म के किसी किस्म के भी असहाल हों, एंटीबायोटिक से करते हैं उसे भी अठानाश कर देते। तो ये जो बिस्मत है ये किसी ज़माने में बड़ा ही रिवाज था डॉक्टरों को बड़ा ही शौक था, पूरा साल बिस्मत निकाल के जो खिला दिया उसको और वो खुश कर देता है और उसकी तकलीफ उसके अजाब में कमी नहीं करता। मरीज हफ्ता हफ्ता भी बेचारा ना उसको खाने का मज़ा ना किसी और चीज़ का दर्द का एहसास रहता है, सिर्फ असार खुश्क हो जाते हैं। इसमें होम्योपैथिक में इसकी मेंटल या माइंड से तर्ज रखने वाली अलामतें यह हैं कि सॉलिट्यूड इज़ अनबेरेबल, ये वो मरीज़ है जो तन्हाई बर्दाश्त कर ही नहीं सकता, इसलिए हर वक्त किसी को साथ चिमटाए रखेगा कोई ना कोई बैठा रहे। और अक्सर बुढ़ापों में ये बुढ़ापे में ये ऐसे मरीज़ मिलते हैं जिनके पास ज़रूर कोई ना कोई होना चाहिए, उनको बिस्मत खिला दें, इतना खिला दें कि फिर वो बर्दाश्त ना करें किसी का आना पास। गम्स सोलन होते हैं, दांतों के दर्द में भी मुफीद है, अमूमन ज़ुबान सफ़ेद और सूजी हुई और एजिस पर बाज़ दफ़ा गैंग्रीन की तरह के स्याह सखम होते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि गैंग्रीन हो मगर नज़र आते हैं गंदे। और इसमें ख़ास तौर पर प्यास जो है वो फास्फोरस और इथूजा की तरह की है, जहाँ पानी पिया और गर्म होकर बाहर निकलाया, इस सूजन में तो दूध निकलता है बाहर लेकिन इसमें पानी जो है वो ठहरता नहीं और खुश्क हज़म हो जाती है।
अजीब इसकी खास बात है, जो डाइजेशन है वो स्लो हो जाती है और बहुत बदबूदार डकार आते हैं, और इसकी जो इसका जो दर्द है पेट का वो डायस्कोरिया से मुशाबे है, उसमें पीछे की तरफ मरीज अकड़ता है और उसके दर्द की नौयत आम दर्दों से मुख्तलिफ है, इसलिए मरीज अक्सर ये कहेगा कि अजीब सा दर्द है मैं बता नहीं सकता। तो अब डॉक्टर कहे बताओ कुछ बताओ, वो कहे नहीं अजीब सा दर्द है मैं बता नहीं सकता। इसका मतलब है कि रोज़मर्रा के तजर्बे में जो पेट दर्द आते हैं उनसे मुख्तलिफ कोई एहसास है इसमें, और दस्त अक्सर बगैर दर्द के होते हैं, एंजाइना में भी मुफीद है, और अक्सर इस एंजाइना में स्टर्नम की बजाय बाईं तरफ दिल से दर्द उठकर बाएं कोने शोल्डर से होते हुए उंगलियों तक जाता है, उंगलियों के किनारे तक। ये बाज़ दफ़ा बगैर एंजाइना के भी मैदे की अल्सरेशन से हो जाता है, मैदे में इन्फ्लेमेशन हो या अल्सरेशन हो तो उससे भी ये अलामत पैदा हो जाती है। और बिस्मत में वो ख्वाबें जो हैं वो हायसिमस की तरह जिनसी ख्वाबें होंगी और उनमें वायलेंस भी होती है। फिर तो बिस्मत के मरीज़ अगर इसको असाल हों, इसका मतलब है उस बिस्मत के असाल में कोई ऐसी टॉक्सिन है जो दिमाग पर ही असर करती है, और बिस्मत के मरीज़ों में अक्सर ये बात होगी, इसका मतलब वो डेफिनेट कोई टॉक्सिन निकलती है। बोरेक्स ये अक्सर तो एक ही इस्तेमाल में आती है होम्योपैथ के हाथों में, और वो ये है कि ऐसा लिकोरिया जो गर्म हो बहुत और बहुत बहे और घुटनों तक बह जाए और उसकी गर्मी का एहसास जो है वो सबसे ज़्यादा नुमायाँ हो, इसमें अक्सर होम्योपैथ फौरन बोरेक्स देते हैं। लेकिन बोरेक्स के और भी बहुत से फ़वाद हैं, इसको पूरे को याद रखना चाहिए। एलोपैथिक हाथों में तो अक्सर मिला करती थी आँखों में डालने के लिए, जो इसको मिला के ना सुहागा फूल किया हुआ कहते थे इसको, शहद में मिला के तो ये आँखों में भी डालते थे, मेरा ख्याल गले में भी चटाते थे वो, गले के जख्मों के लिए, फुंसियों के लिए, तो ये वही है सुहागा फूल किया हुआ। और कहते हैं कि बहुत जल्दी ये हील किया करता था, मगर उसका असर दरअसल होम्योपैथिक ही है, क्योंकि बोरेक्स होम्योपैथिक में भी मुंह के ज़ख्मों के लिए बहुत मुफीद है, और ख़ास तौर पर नर्सिंग मदर्स के सोर माउथ के लिए, या वो जो बच्चे को दूध पिला रही हों उनके बच्चों के सोर माउथ के लिए ये चोटी की दवा है। और बोरेक्स में एक ख़ास बात है कि इसके बच्चे को जब खटोले में लिटाया जाता है तो वो फौरन चीखता है और सख्त उसको घबराहट होती है। ये सिर्फ बच्चे की बात नहीं है, दरअसल बड़ों का भी यही हाल है। खिलाई थी जो उसको नीचे गिराया था मैंने, किसका पता लगा आपको उसको ये तकलीफ है? अच्छा, जख्मों के लिए मैंने नीचे उतरने का एहसास की बात करें, लिफ्ट में जिनको नीचे जाते हुए घबराहट होती है बहुत, उनके लिए ये मुफीद है। लेकिन बोरेक्स में ऊपर जाने से भी होती है, असल में सिर्फ नीचे उतरने से नहीं होती, लिफ्ट की हरकत जो तेज़ी से ऊपर ले जाए या नीचे ले जाए, जो खून के दौरान को यकतरफा कर दे, ऐसी तकलीफ़ों में बोरेक्स बहुत ही अहम दवा है। और बच्चे तो ख़ास तौर पर अपनी इस ख़ास इलामत से पहचाने जाते हैं कि जब खटोले में रखा तो वो रोते इसलिए नहीं कि हमें उतारा क्यों है, रखते रखते उनका रंग बदलता है और खौफ पैदा होता है उनके दिल में। और छाले मुंह के
ये तो आम चीज है। अगर किसी औरत को इस किस्म का लेकोरिया हो बोरस की तरह का, तो बसा औकात वो बांझ रह जाती है और डॉक्टर दूसरी दवाएं देते रहें जितनी मर्जी, जब तक बोरस नहीं देंगे उसके बच्चा नहीं पैदा हो सकता। बोरस पहले वो उसका जो पानी बहद बहा देता हर चीज़ को, उसको ठीक ना करे जब तक, उस वक्त तक वो गालबन वो अंडा ही नहीं ठहरता उसके अंदर। इसलिए ऐसी औरतें अक्सर बांझ रह जाती हैं। हाँ, अगर बोरस दें और अल्लाह के फजल से वो काम करे तो फिर एक साल के अंदर अंदर खुदा के फजल से इससे उम्मीद पैदा हो जाती है। और आवाज़ का मैंने आपको यहाँ तो नहीं पहले बताया था कि बोरस के मरीज़ को ठा बड़ा ख़तरनाक है। बच्चे ठा कर देते हैं, बालों की जान ही निकल जाती है। और बोरस के मरीज़ के यानी ऐसे मरीज़ हैं मालूम मेडिकल हिस्ट्री में, उनको अचानक हा किया तो हार्ट फेल हो गया। तो बाद लोग बेचारे दिल पर हाथ लिए फिर रखते फिरते हैं, औरतें ख़ासतौर पर, उनको धमाके से बहुत घबराहट होती है। इसलिए बोरेक्स उनको देना ज़रूरी है, वो बहुत जल्दी इस रुझान को ठीक कर देता है। और नीचे की तरफ रुझान जो है ये बहरहाल ऊपर के रुझान के मुकाबले ज़्यादा है। कार जब नीचे उतरेगी पहाड़ों पर से तो ज़्यादा चक्कर आते हैं ऊपर जाते वक्त। ये तो कुछ ये भी वजह है कि ऊपर जाते वक्त आहिस्ता चला करती है अक्सर, और रैश ड्राइवर नीचे उतरते वक्त ज़्यादा तेज़ चलाते हैं। मुंह के छालों में तो बहरहाल ये खास मरतबा रखती है। ये भी सोडियम सॉल्ट है बोरेक्स भी, और बाकी सोडियम सॉल्ट जो हैं उनमें भी नर्व्स का एग्जॉस्ट होना ये पाया जाता है अक्सर। काली फास हो, काली बाइक्रम हो, काली काब हो, इन सब में नर्व की एग्जॉस्टन मिलती है। नेट्रम सोडियम काली फास नहीं, सोडियम फॉस्फेट, नेट्रम फॉस और नेट्रम काव और नेट्रम मेयर, इन सब में असाब की एग्जॉस्टन मिलती है। वो काली कालियों की और लाम थी वो जो स्पॉट्स पे जाहिर होने वाली, हाँ जी वो पोटैश है। आंखें भी अक्सर इनकी ख़राब मिलती हैं, कुकरे वगैरह और आंखों की खराबी। मुझे याद है बचपन में सिर्फ गले के लिए नहीं बल्कि आंखों के लिए भी बोरस शहद का मिक्सचर बना के आंखों में डाला करते थे। और नाक के अंदर चूहे फंसे हुए होते हैं अक्सर, खुश्क हो जाते हैं और काफ़ी तंग करते हैं। डिस्चार्ज इसके जब ज़रा पुरानी इन्फेक्शन हो जाए तो ग्रीन हो जाते हैं सब्ज रंग के। छाले बनने का रुझान चूँकि मुंह के अंदर भी है बाहर भी होता है, मुंह के इर्द गिर्द भी होता है, लेकिन अगर बुखार में छाले बने और बड़े हों होठों के ऊपर तो वो नेट्रम में होते, मगर नेट्रम कॉमन है दोनों में ही। तमाम सोडियम के सॉल्ट्स में छाले का रुझान है। पेट में हवा बहुत भरती है, बार दफ़ा मतलब उल्टियाँ शुरू हों तो फिर हटती ही नहीं और आती चली जाती हैं,
खट्टा स्लाइम आखिर पे निकलता है। गर्मियों में तकलीफें अमूमन बढ़ती हैं, जो गर्मियों की बीमारियां हैं ना मारूफ, उनमें ये अच्छी काम आने वाली दवा है। ये ऐसे मरीज जो जिनकी जिनसी ताकतें किसी बीमारी की वजह से जवाब दे जाएं और वैसे नॉर्मल हों, उनमें बोरेक्स एक अहम चीज़ है, काफ़ी कारामद है। हाँ, एक और चीज़ मिडनाइट स्वेट्स कई बीमारियों में दवाओं में हैं, इसमें भी हैं, मगर मिडनाइट स्वेट जो इसका होता है वो नर्वस एग्जॉस्टन की वजह से। बाद मरीज़ देखें वो उनके जिस्म वैसे ठीक रहते हैं लेकिन असाब थके हुए और बिल्कुल जवाब दे जाते हैं, तो उनकी असाबी थकावट है, उजलाती नहीं है। ऐसी सूरत में इनको रात को जो है नर्व्स बिल्कुल बैठ जाएंगे और पसीने आ जाएंगे। ये लिखता है, ल्यूकेरिया वाइट एज म्यूकस विदाउट एनी अदर एलिमेंट, ऑल दीज वीमेन आर स्टेराइल, ऑल हु हैव सच सिम्टम्स आर स्टेराइल एंड बोरेक्स हैज क्योर्ड स्टेरिलिटी व्हेन दिस कंडीशन वाज द कॉज। मैं आपको बता चुका हूँ, याद रखें इसको, बस चोटी के होम्योपैथ ने हाईलाइट किया है इस बात को। और नर्सिंग मदर के लिए तो एक बेहतरीन दवा है, दोस्त है उसकी, वरना बाज़ हम बच्चे का मुंह भी छालों से भर जाता है, माँ का भी, और दूध की जो क्वालिटी उसकी खासियत में फ़र्क पड़ जाता है, इसलिए बच्चा वो दूध नहीं पिएगा और जब भी मुंह मारेगा वो उसके मुंह में मुंह गलेगा उसका। तो इसका इसकी चंद खुराकें उसके दूध की क्वालिटी ठीक कर देती हैं और फिर बच्चा नॉर्मल खाना शुरू कर देता है, पीने लगता है, और माँ के मुंह के लिए भी याद रखें बहुत मुफीद है। प्लूरिसी में इसकी इलामतें ब्रायोनिया से मिलती हैं, अगर ब्रायोनिया के बाद मज़ीद ज़रूरत पड़े या वो काम ना करे तो बोरेक्स भी प्लूरिसी में बहुत अच्छी दवा है। ये लें जी, ये हो गया। अब कुछ एक दो तीन चार ये रह गई हैं, बैलेंस भी उठा लो, और उसके अलावा सफ़र में ये किताबें साथ रखना, ताकि जो लिस्ट है वो साथ लगी हुई है ना, उनमें सारी एक दो निशान डाल दूँ कौन कौन से नोट्स तैयार करने हैं, फिर वापसी पे बाकी इंशाल्लाह। ठीक है, हाँ जी, इसकी मेलेंड्रिनम तो छोटी की दवा है, इसमें मेलेंड्रिनम 200 में एक दो दो तीन दिन रोजाना एक एक खुराक दे दें, क्या 200 में क्या प्रिवेंटिव के तौर पे भी हो जाए तब भी दोनों तरह काम करती है मेलेंड्रिनम। और अगर ये काम ना आए तो वेरियोला, अगरचे वो दरअसल खसरे की है मगर इसमें भी काम आ जाती है। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम।